लेट अस सी, जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो दो तरह की होती है। वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? जो कि डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, उसके आउटपुट के साथ वेरी करती हैं। जैसे कि फ्यूल कॉस्ट, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड, फ्यूल रेट्स चेंज होते हैं तो कॉस्ट चेंज होती है, या फिर टैरिफ चेंज होता है तो भी इट गोज ऑन चेंजिंग, तो ये सब हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो कि हमारे आउटपुट पर, प्लांट के या प्रोसेस के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जो कि एज इट इज चलती जाएंगी। जैसे कि साइट का रेंट है या इंश्योरेंस ऑफ दी प्रोजेक्ट है, वो सब फिक्स्ड कॉस्ट है और उनको हमेशा वैसे ही इंक्लूड करनी है। तो जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको हम ले सकते हैं एज द सम ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। और इसके अलावा अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें कि कैसे ये कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं, तो लेट अस सी इन दिस न्यूमेरिकल कि किसी भी डीजी सेट का जो कैपिटल कॉस्ट है वो 9 लाख रुपी है और उसका एनुअल आउटपुट दिया है 219 मेगावाट आवर। कॉस्ट मेंटेनेंस इज 30,000 रुपी पर एनम, और इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोड्यूसिंग है, ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायर्ड है दैट इज 3.5 रुपी पर किलोवाट आवर। माने जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें इतनी पड़ रही है पर किलोवाट आवर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डीजल जनरेटर फॉर 5 ईयर वर्किंग कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? आपका कैपिटल कॉस्ट, और उसके बाद मेंटेनेंस जो कि पर ईयर दिया हुआ है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्शन। तो इस तरह से हम एक चार्ट यदि मैनेज कर लें, एक चार्ट हम बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले देंगे फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन वेरिएबल कॉस्ट एंड देन वी विल हैव टू ऐड ऑल दीज। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज फिक्स्ड, इट्स कॉस्ट इज 9 लाख। देन एनुअल मेंटेनेंस हमें चाहिए 5 साल के लिए, तो 30,000 × 5 years विल गिव यू 1.5 लाख। देन फ्यूल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर विच यूनिट कॉस्ट इज गिवन एज 3.5 रुपी। हमारे पास प्रोडक्शन कितना है? 219 किलोवाट आवर। 219 इज आर मेगावाट आवर, तो उसमें हमें 10^3 से मल्टीप्लाई करना होगा फॉर कन्वर्टिंग इट इंटू किलोवाट आवर। इसकी पर यूनिट कॉस्ट 3.5 रुपी, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इट इज फॉर 5 ईयर्स। तो ओवरऑल इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वी गेट 38,32,500 रुपी। वेन वी सम अप ऑल दीज थ्री वी गेट द टोटल कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एज 48,82,500। तो इस तरह से ओवरऑल कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में हम वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट के एडिशन से तो ऐड कर ले, पर किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जहां पर फाइनेंस इंक्लूड होता है, एनर्जी एफिशिएंसी में जो इन्वेस्टमेंट है इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एरिया। आप देखेंगे कि चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो, रॉ मटेरियल हो, इन सब के लिए हम वही पिक्चर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए जैसे कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी में लेना पड़ रही है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू इन्वेस्ट इन इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी एफिशिएंसी इट हैज़ टू डिसाइड कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कौन कौन से पैरामीटर्स लेना है जैसे कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में लेते हैं। तो इट शुड अप्लाई एग्जैक्टली द सेम क्राइटेरिया टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजम्पशन जैसे कि हम बाकी चीज़ों में जोड़ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि फास्ट या ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर ही योर प्रोजेक्ट इज वुड बी सक्सेसफुल। वी हैव टू सी अदर पैरामीटर्स ऑल्सो लाइक दी पैरामीटर्स कमिंग विद टाइम। तो बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुड इंक्लूड व्हाट? सबसे पहले पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या है? ये है हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द इन्वेस्टमेंट मेक्स मनी, कितना टाइम लगना है टू गेट द मनी पेड बैक टू द
प्रोजेक्ट कि कितनी देर फाइनेंशियल टर्म्स आर नीडेड टू बी देयर, कितने दिन तक ये कैपिटल पर हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न नहीं हुआ। बहुत सिंपल वे में बोले, अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाया है, वो उस प्रोजेक्ट में सेविंग्स के माध्यम से कितने दिनों में वापस मिल जाएगा। फिर दूसरा जो फाइनेंशियल अप्रेजल मेथड है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश फ्लो। ये वो मेजर्स हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोजेक्ट में को अलाउ करते हैं कि पूरा अकाउंट स्ट्रीम ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी डिस्कस्ड। तो इसमें कितना पैसा आ रहा है और कितना जाना है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर, उसके बेस्ड पर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एंड दिस प्रोवाइड्स द कंपनी विद ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड कि कौन कौन से एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स निकालने हैं, इन्वेस्ट करना है इन पर, और पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सिस्टम में वो किस तरह से फिट होगा। तीसरे टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो है डिस्कशन होते हैं, वो है ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में। ये वो मेजर्स हैं जो कि किन्हीं भी दो ऑप्शंस पर प्रोजेक्ट्स के कंपेयर कर पाते हैं कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सूटेबल होगा फॉर सेम एनर्जी सेविंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो इन सब को एक के बाद हम देखते हैं कि हाउ टू गो विद दी पेबैक पीरियड, कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हम देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड कैश फ्लो डायग्राम वी विल डिस्कस। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट एंड हाउ टू बी कैलकुलेटेड। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हमें कैसे निकालनी है, ये सब हम अगले सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे।